गुड इवनिंग, वेलकम टू बीट द वॉलेटिलिटी चैनल। जैसा कि आपको पता है, मार्केट ने आज फिर ऑल टाइम हाई बनाया। तो अगर अपन फिर कल के लिए प्ले करते हैं, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ भी है कि इंडिया भी 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 या 32 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो 10 ट्रिलियन की हो जाएगी। अब अगर कल के लिए अपन प्ले आउट करना चाहते हैं तो सीधा सीधा लेवल्स आपका 23,000 का ही लेवल आएगा। अगर 26,000 का लेवल आएगा, 26,000 को जब क्रॉस करेगा तभी अपन इसमें बुलिश ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो मार्केट क्या होगा, गैप अप करेगा और फिर नीचे आ जाएगा। और नीचे के लिए आपका डोर 25,900 पास है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 26,000, और यहाँ आपका 25,900, ठीक है। ये दो लेवल ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद ही आप कोई चीज प्ले कीजिएगा। बैंक निफ्टी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी अब बुलिश हो गया है। तो बैंक निफ्टी का पहला टारगेट अपन यहाँ से अगर फिबोनाची ड्रॉ करके भी देखते तो मैंने आपको बताया था 57,000 तक दिख रहा मुझे। अब भी जो भी लीड होगा वो बैंक निफ्टी ही लेगा। तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, 54,200 का लेवल है, जिसके ऊपर जाएगा तभी आपको बाइंग करना है, और 54,000 के नीचे जाएगा तभी आप बियरिश होना। तो ये दो टारगेट निकल के आ रहा है, अपसाइड और डाउनसाइड। अभी अगर कोई लॉन्ग टर्म ऑप्शंस प्ले कर रहे हैं तो आप सिंपल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, 24,000 का पुट सेल करके चल सकते हैं और 27,000 का कॉल दिसंबर एक्सपायरी का। एक अच्छा खासा प्रीमियम आपको मिल जाएगा डीके में। जब भी अपन इंडेक्स को प्ले करते हैं तो हमें रिलायंस, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, कोटक, SBI, ये सबको देखना चाहिए। IT कंपनीज जब चलती है तो निफ्टी नहीं गिरता, ये मैक्सिमम टाइम देखा गया। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको HDFC के लिए बताया था पहले भी कि HDFC में एक गैप था, जिस दिन इस गैप के अंदर जाएगा मार्केट उस दिन आपको 40-50 पॉइंट ईजिली दे देगा। तो आप देखो, जिस दिन इस गैप को इंटर किया मार्केट ने, अच्छा खासा आपको रेट मिल गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आगे फर्स्ट क्या होगा, पहले आपको ये देखना है कि इसका जो हाई है, ऑल टाइम हाई, उसको किस तरीके से काटता है। और फिर नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे, नेक्स्ट आप देखोगे रिलायंस में जो गैप है यहाँ पे, अब इस गैप को फिल करता है कि नहीं। जिस दिन इस गैप को फिल कर रहा होगा मार्केट, उस दिन 27,000 के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मार्केट इस तरह फुल मोमेंटम में चला तो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मार्केट क्या दिखा रहा है और क्या छुपा रहा है। तो मार्केट में आप देखोगे कि अभी ओवरऑल आप निफ्टी 50 स्टॉक्स बहुत अच्छा चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप उतना बढ़िया नहीं चल रहा। अभी क्या है, जो रैली कैरी कर रहे हैं वो बैंक कर रहे हैं। तो अभी देख रहे हो HDFC बुलिश दिख रहा है आपको, रिलायंस ठीक है रुका हुआ है, लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे इसमें भी तो एक W पैटर्न बना रहा है, और ये W पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो जब ब्रेक होगा तो ऑलमोस्ट 3045 तक ये जाने वाला है। उसी तरीके से वो ICICI और एक्सिस, ठीक है, ICICI ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और एक्सिस अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। ICICI और एक्सिस में भी आपको देखो, एक्सिस जब ये गैप फिल किया तो तुरंत उस चीज़ को फिल कर दिया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, जब भी कोई गैप ट्रेड करते हैं अपन तो हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि वो गैप को अपन प्ले कैसे करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ICICI में आप 52 वीक वाला स्ट्रैटेजी लगा के चलिए, और एक्सिस में अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो मोमेंटम मिलेगा 1260 के ऊपर, जो आपको 1300 तक इजीली लेके जाएगा। अब जो दो स्टॉक्स आपको ट्यूसडे के लिए देखने हैं जिसमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, पहला स्टॉक है GoDigit का ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो 407 रुपये है।
तो अभी ये अच्छा मोमेंटम है तो आप इसको प्ले कर सकते हो 400 के लिए। और दूसरा है ABFRL। ABFRL भी आपका मैंने पहले बताया है कि ABFRL जो है वो अगर आप वीकली में देखते हो तो वीकली में इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिख रहा है 362। तो ये 362 तक इजीली अभी जा सकता है, तो आप इस पे वेट कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से मार्केट अभी मूव कर रहा है तो जितने भी छोटे स्टॉक हैं जो अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं कभी पहुँचे वो भी आज अभी मूव कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है। ठीक है, अब मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो निफ्टी में अभी कहीं भी आप देखोगे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉल राइटिंग जो भी होकर रखे 27,000 पे है, और पुट राइटिंग हर एक लेवल पे है। यहाँ पे आपको 26,000 में भी एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है जो हो सकता है कल ही आपका पहला मूव में ही ब्रेकआउट हो जाए, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो 100-200 पॉइंट ईजिली निफ्टी पिकअप कर लेगा। वैसे ही बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में 54,000 में अच्छा खासा स्ट्रैडल राइट किया गया है। तो अगर एक गैप 100-200 पॉइंट का रहता है तो अच्छा खासा ऊपर मूव कर जाएगा। PCR 1.39 है और आपका निफ्टी का जो PCR है वो 1.42 है। फिर निफ्टी अगर अपन देखते हैं तो ये PCR ये दिखा रहा बहुत स्ट्रेच हो गया मार्केट। जैसे ही 1.5 पास जाएगा वहाँ पे आप कॉशियस हो जाना, हो सकता है मार्केट वहाँ से एक बार रिट्रेस करे। 25,000 में कॉल राइटिंग है। फिन निफ्टी में आप देखो तो हर जगह कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग नीचे में बचाने के लिए भी ज़्यादा है, लेकिन ऊपर जैसे भी जा रहे हैं अपन कॉल राइटिंग ज़्यादा है। तो हर लेवल में फिन निफ्टी एक स्ट्रगल फेस कर सकता है। PCR 1.23 है तो ऊपर का थोड़ा सा स्कोप और बनता है। मैक्स पेन 24,762 है और यहाँ पर 24,900 है। 24,800 से लेकर 25,200 तक का रेंज बन रहा है कल के लिए। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया का जो भी डेटा आ रहा है, इंडिया 1 ट्रिलियन एवरी हाफ एन ईयर में ग्रो कर रहा है, तो 6 ईयर में ऑटोमेटिकली आप मान के चलिए कि 4 टाइम्स और हो जाने वाला है, तो 4 ट्रिलियन और बढ़ने वाली है 6 साल में आने वाला में। तो ऑलमोस्ट अपन 9.5 और 10 ट्रिलियन इकनॉमी बन जाएंगे। तो ये सब बेसिकली इसके वजह से मार्केट बहुत बूम कर रहा है। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है वो आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियोस तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वी आर नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, तो जो भी आप ट्रेड लेते हैं आप अपने एडवाइज़र से एक बार पूछ लीजिए कि हमें रिस्क रिवॉर्ड कैसे फिक्स रखूँ। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोज़ देखनी है, डीमैट ओपन कराना है, सबका लिंक हमारे वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर आप लिंक डीमैट ओपन कराइए और फिर कॉन्टैक्ट कीजिए हमें।